और ये इधर अशोक गहलोत की सरकार कैसी रही? बहुत खराब, बहुत गजब। क्या खराब रही? सब कुछ खराब ही रहा। बताइए जरा, 500 रुपए में सिलेंडर करके गुमराह किया जा रहा है कि कांग्रेस सीट आनी चाहिए। अच्छा, तो कांग्रेस बीजेपी कह रही है 450 में देंगे। कौन? बीजेपी। वो बात नहीं आती ना। अच्छा, मतलब कांग्रेस की बात है, बीजेपी की बात नहीं है। बीजेपी की बात, कमाल की बात है। मतलब कांग्रेस अगर 500 में दे रही है तो आपको लग रहा है गुमराह कर रही है, और बीजेपी अगर 450 में वादा कर रही है तो बीजेपी कोई दिक्कत नहीं है। हम ना तो बीजेपी को देख रहे हैं ना कांग्रेस को देख रहे हैं, बस मोदी जी को देख रहे हैं। मोदी जी के भक्त हो? मतलब वो करे तो सब ठीक है, वो करे तो सब ठीक है, बाकी कांग्रेस करे तो सब गलत है। ऐसा है, इस बार गलत है। तो आप लोग क्या करते हैं? हम लोग तो सूरत में रहते हैं, वहाँ पे हमारा व्यापार है। तो गुजरात में और राजस्थान में क्या फर्क देखते हो? अरे गुजरात और राजस्थान में ये दिख रहा है कि गुजरात के अंदर जो रोल मॉडल आप बता रहे हो, मैं नहीं मोदी जी जिक्र करते, वो समझ लो मोदी जी जिक्र करते हैं, वो रोल मॉडल वहाँ पे ऑटोमेटिक ही समझ लो कि पब्लिक के हिसाब से रोल मॉडल है वहाँ, उसके हिसाब से बस गुजरात मॉडल बन गया, आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। उसमें मोदी जी का क्या है उसके अंदर? कांग्रेस सब सुविधा दे के रखी है, 25 लाख का इलाज फ्री, हॉस्पिटल के अंदर दवाई फ्री है। ये 5 साल में जो काम हुआ ना, वो आज तक 50 साल के अंदर नहीं हुआ है। 5 साल का कार्यकाल कांग्रेस का निकल चुका है। वादा था पहले, वादा था कि रामगढ़ हॉस्पिटल में डॉक्टर लगा देंगे, अभी तक एक डॉक्टर नहीं लगाए। शहर है, इतना बड़ा नगर है, उसमें सिर्फ खून की जाँच नहीं है हॉस्पिटल में। 6 डॉक्टर है। कहाँ पे? रामगढ़ हॉस्पिटल के अंदर। अच्छा, 6 डॉक्टर है, 50 बेड है। वो कह रहे खून की जांच तक नहीं हो सकती है, सब चीज होती है, खून की जांच हो, एक्सरा हो, सब हो, सब चीज हो, पीसीसी भी करवा लो। कह रहे कि डॉक्टर नहीं है अस्पताल में, सही बात है क्या? जिस बंदे ने ग्राउंड लेवल पे काम किया है उसको सपोर्ट कीजिए, वो चाहे कोई भी पार्टी का हो। लेकिन ये जो बात कह रहे हैं अस्पताल वाली बात, वो सही है गलत है? गलत है। राजस्थान में चुनाव प्रचार प्रसार खत्म हो गया है, अब 25 तारीख को वोटिंग शुरू होगी, और वोटिंग से पहले चुनाव प्रचार प्रसार खत्म होने के बाद राजस्थान का मूड मिजाज क्या बन रहा है, सवाल ये है। और इस वक्त हम मौजूद हैं सीकर जिले की ये फतेहपुर सीट पर, फतेहपुर विधानसभा है और बहुत खास है, और जिस जगह पर हम बैठे वो भी बहुत खास है। सबसे पहले इस विधानसभा की बात करते हैं। इस विधानसभा पर आखिरी बार 1993 में 30 साल पहले बीजेपी जीती थी, तब से लेकर के अभी तक 30 साल तक बीजेपी यहां पर जीत नहीं पाई है। 2013 में ऐसा हुआ कि यहां पर निर्दलीय जीते, लेकिन कांग्रेस का ही यहां पर दबदबा रहा, और अभी भी कांग्रेस के विधायक हैं हाकम अली, और उन्हीं को कांग्रेस ने दोबारा से टिकट दिया है। बीजेपी ने टिकट दिया है सवर्ण चौधरी, जो कि कोचिंग सेंटर के एक संचालक हैं, उनको टिकट दिया है। और 2018 की अगर बात करेंगे, सीट इसलिए भी दिलचस्प है, अगर कोई कहे कि 30 साल से कांग्रेस का ये गढ़ है तो इस बार भी मजबूत होगा, इस बार भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तो 2018 के चुनाव के नतीजे देखने चाहिए। 2018 के चुनाव के नतीजों में यही हाकिम अली केवल 860 वोटों से जीत पाए थे, बहुत कम मार्जिन से इस बार, पिछली बार 2018 में जीत हो पाई थी। दूसरा, ये विधानसभा की मैंने बात की, अब इसके बाद में बात करते हैं इस जगह की, जिस जगह पर हम लोग अभी मौजूद हैं। ये रामगढ़ सिखावटी है, ये रामगढ़ सिखावटी है, और वोडाफोन कंपनी के मालिक राम नारायण रुइया, उनका ये पैतृक गांव है। तो ये सेठों का गांव क्यों कहा जाता है इसको? सेठों का गांव इसलिए कहा जाता है कि हमारे यहाँ पे पोदार जी, रुइया जी, ये सब बहुत पुराने पुराने बड़े बड़े सेठ थे। उन्होंने अपने टाइम पे बहुत अच्छे अच्छे काम किए, और अभी भी इनके काम जारी है, इसलिए इस गांव का नाम सेठों का गांव पड़ गया। सेठों का उनके हिसाब से टाइटल पड़ा हुआ है, उनके टाइम से ही पड़ा हुआ है। सेठान था पहले रामगढ़, अभी सेकावाटी कर दिया उसको। अच्छा, तो आप लोग क्या करते हैं? हम लोग तो सूरत में रहते हैं, वहाँ पे हमारा व्यापार है पैकेजिंग मटेरियल का। अच्छा, तो अभी वोटिंग आपकी उधर है या वोटिंग इधर ही है? वोटिंग इधर ही है हमारी। अच्छा, वोटिंग यहाँ पे? हाँ, खास वोटिंग के लिए हम यहाँ आए हैं। तो वोटिंग के लिए आप लोग इधर? सूरत में आपका काम कारोबार सब कुछ सूरत में है? गुजरात में? गुजरात में। और गुजरात से अभी आप यहाँ पे राजस्थान में आए हो? बिल्कुल। क्या मूड मिजाज समझ में आ रहा है? कब पहुँचे राजस्थान? राजस्थान पहुँच गए थे 12 तारीख को। 12 तारीख को पहुँच गए? तो लंबी छुट्टी आपकी तो? हाँ, वो दिवाली का वेकेशन पड़ता है तो आ गए थे। चुनाव में थोड़ी मेहनत भी कर लेंगे वो हिसाब से। चुनाव में क्या मेहनत करेंगे? मेहनत हमारे कैंडिडेट को, हाकम साहब को जिताएंगे, मेहनत करेंगे उनके लिए। अच्छा, आप उनके लिए मेहनत कर रहे हो? बिल्कुल कर रहे हैं।
करेंगे अच्छा, आगे भी करते रहेंगे। तो उनके कार्यकर्ता हो आप? जी कार्यकर्ता है उनके। अच्छा, तो गुजरात में और राजस्थान में क्या फर्क देखते हो? फर्क वो भी अच्छा है, यहाँ भी अच्छा है, दोनों अच्छे। नहीं नहीं, जैसे मोदी जी गुजरात का बड़ा मॉडल का जिक्र करते हैं, गुजरात मॉडल का जिक्र करते हैं, सारी बातों का जिक्र करते हैं, और यहाँ पे जो है वो अब अशोक गहलोत कह रहे हैं कि भाई हमने ऐसा चिरंजीवी योजना लेकर के आए जो पूरे देश में नहीं है, 25 लाख रुपए की योजना। तो क्या फ़र्क आपको दिख रहा है गुजरात और राजस्थान में? फर्क गुजरात और राजस्थान में ये दिख रहा है कि गुजरात के अंदर जो रोल मॉडल आप बता रहे हो, मैं नहीं मोदी जी जिक्र करते, वो समझ लो मोदी जी जिक्र करते हैं, वो रोल मॉडल वहाँ पे ऑटोमेटिकली समझ लो कि पब्लिक के हिसाब से रोल मॉडल है वहाँ। बिजनेस के काफ़ी वहाँ पे उद्योग है, काम कारोबार काफ़ी है, उसके हिसाब से बस गुजरात मॉडल बन गया, आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। उसमें मोदी जी का क्या है उसके अंदर रोल? आप तो उधर रहते हो, सब ठीक ठाक है, कभी ऐसा तो नहीं लगता आपको कि उधर जाके दोबारा काम धंधा भी करना है? ये नहीं नहीं, ऐसे क्या करना है, उसमें क्या करना है, बोलना क्या है, काम तो धंधा कर ही रहे हैं, वहीं कर रहे हैं, वहाँ भी अच्छा है, यहाँ भी अच्छा है। देखिए, हम लोग तो जो है वो अभी इधर से जो है वो किस लक्ष्मणगढ़ से और आगे तारानगर की तरफ बढ़ रहे थे, और अभी जो है यहाँ पे काफ़ी लोग दिखे, तो हमें मालूम नहीं था कि भाई ये कौन लोग हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर रुक गए, और रुक करके जहाँ पे भी लोग बैठते हैं हम सोचते हैं यहाँ पे चलिए बात करें, तो अब जो है बात किया तो पता ही चला। हाँ आओ बोस आओ, क्या नाम आपका? हाँ अरे आओ जरा, क्या कह रहे थे आप? तुम वीडियो शुरू होने से पहले कुछ कह रहे थे ना? हाँ अरे वीडियो शुरू होने से पहले कुछ कह रहे थे ना? इधर आओ, क्या इधर तो आइए, फिर मैं खड़ा होकर मैं आ जाता हूँ उधर। आओ हाँ आओ, ये जो है क्या नाम, पहले नाम बताइए। मेरा नाम है जय सिंह। जय सिंह जी सर, ये जय सिंह है। जय सिंह कह रहे थे कि मैं जो है वीडियो आप लोग बनाओगे तो मैं अपना कुछ दर्द दिखाऊंगा, क्या दर्द है? दर्द कुछ भी नहीं सर, मेरा एक्सीडेंट हो गया था रामगढ़ में, कोई भी सुविधा नहीं है। हाँ हकम अली जी को काफी टाइम से उनको मतलब 15-20 साल से वही है विधायक है यहाँ के, मैं उनको बुराई नहीं करूंगा, लेकिन हॉस्पिटल की सुविधा, एम्बुलेंस की सुविधा। अभी ड्रिंक कर रखी है आपने? नो सर। स्मेल तो आ रही कुछ कुछ? नो सर, मेरे को तो कुछ कुछ स्मेल आ रही है। लग रहा आपको? अच्छा चलो ठीक है बोलो। तो यहाँ की जो सुविधा है ना, बिल्कुल खराब है एकदम। क्या सुविधा खराब है? हॉस्पिटल के देख लो, मैं भी खुद हॉस्पिटल से हूँ, मैं भी खुद हॉस्पिटल से काम कर रहा हूँ, और जहाँ का भर कर रहा रामगढ़ का सिक्का वाटिका विधायक होने के बाद भी यहाँ से कोई काम नहीं हो रहा। काम क्या नहीं हो रहा? हॉस्पिटल देख लो, रामगढ़ बाईपास रोड, बस देख लो, बस भी यहाँ नहीं आती, अपनी महिला बहन बेटी है वो भी बहुत परेशान है, बस अंदर नहीं आती। पानी का जो सीवरेज काम है वो भी बहुत ख़राब है, पानी एकदम भरा हुआ रहता है, बारिश के टाइम से मतलब लोग आते जाते नहीं है, ऑटो करना पड़ता है उनको। तो क्या माहौल नजर आ रहा है आपको? देखो ये सुना माहौल है ठीक है, हाँ कम जी बहुत इंसान है वो ये नहीं करा, लेकिन जो अब के आदमी को अपन को चेंज करना बहुत बेटर लगता है कि उनको चेंज करे कुछ, तो बदल मौका हर इंसान को देना चाहिए। लेकिन मेरे साथ सरुण चौधरी एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे इंसान है, उनको मौका देना चाहिए अपने को ठीक है। हो सकता है कुछ अपने लिए रामगढ़ में कुछ हो सके। क्या उनको संचालक की वजह से जो है टिकट मिला है, तो क्या क्या सोच करके मतलब बीजेपी ने टिकट दिया उनको? मेरे को नॉलेज नहीं है। फिर मेरे को लगता है कि जो लोग हैं पढ़े लिखे लोग हैं, रामगढ़ में कुछ परिवर्तन होगा, हकमल से कुछ तो अलग होगा। चलो एक चीज, ये जो बातें कह रहे हैं बाकी चीज़ों की तो खैर मैं डीपली जो है घूमा नहीं हूँ, लेकिन हाँ हम लक्ष्मणगढ़ से और यहाँ तक आए हैं तो रोड कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया स्थिति में नहीं था, ये बात तो सही है। नहीं रोड का तो अभी काम चालू है, 4 लेन बन रहा हाईवे है, फोर लेन हाईवे अभी चालू ही है, प्रजेंट में काम चालू ही है, ये लगभग अगले साल तक कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट दिवाली तक 4 लेन हाईवे रहेगी एकदम अच्छी। आपको क्या समझ में आ रहा है राजस्थान का चुनाव? राजस्थान का चुनाव बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है हमको। क्या क्या रुझान दिख रहा है? रुझान में यही है कि हमारे तो कैंडिडेट आकम अली है, और हमारे को उनसे कोई शिकायत नहीं है, और बढ़िया से बढ़िया है वो, भैया ने कुछ जो भी बोला है वो उनकी। लेकिन पिछली बार तो वही जो है बड़ा सा एक मान करके चलिए कि कुछ वोटों का जो है फर्क रह गया, वरना पिछली बार हार जाते वो। उनका फर्स्ट टाइम था, और अब लग रहा है कि वो 30-40 हज़ार वोटों से जीतेंगे और 100% जीतेंगे। चलो आप बताइए बोस, क्या नाम है आपका? गजेंद्र सिंह। गजेंद्र सिंह जी, क्या रुझान समझ में आ रहा है आपको चुनाव का? यहाँ राजस्थान में तो बीजेपी का,
बीजेपी का क्या बीजेपी एक मिनट बोले तो आपको आराम से बोले दिया ना बैठ जाओ इधर आ जाओ नहीं नहीं आइए ना आप बैठ जाओ इधर बैठ जाओ थोड़ा इनसे बोल दे मैं हूँ फतेहपुर विधानसभा से अच्छा फतेहपुर यही फतेहपुर विधानसभा फतेहपुर विधानसभा लगता है उसमें तो कन्फर्म बीजेपी सीट है क्या मेन चीज क्या दिख रही है आपको बीजेपी आई जो वो श्रवण चौधरी है वो सीएलसी के संचालक है ठीक है वो शिक्षा की नगरी से आता है सीकर डिस्ट्रिक्ट शिक्षा की नगरी में आता है ठीक है और वो लोगों से मतलब ऐसे वादे करते हैं कि शिक्षा की नगरी मतलब सीकर नहीं रह के फतेहपुर को भी बना देंगे फतेहपुर विधानसभा है फतेहपुर को भी मतलब शिक्षा की नगरी में लेके आएंगे हम तो आपको लग रहा है कि ये संचालक होने से फायदा मिलेगा हाँ जरूर मिलेगा जरूर मिलेगा क्या उनका नेटवर्क वगैरह है क्या इधर कुछ हाँ, लोगों का बहुत कुछ है बहुत कुछ है लोगों का नेटवर्क हाँ बहुत ज्यादा और ये इधर अशोक गहलोत की सरकार कैसी रही बहुत खराब बहुत घटिया क्या खराब रही सब कुछ खराब ही रहा बताइए जरा अपने मतलब है मोदी सरकार एक मिनट रुको क्या नाम है आपका तो जयसिंह भाई या तो इधर आ जाओ आप या उधर खड़े होकर के मत बोलिए ठीक है एक मिनट रुक जाओ इनको बोले तो फिर आप बोलें ठीक है हाँ बोलो बताइए बोलिए क्या खराब रही मतलब खराब ही है सब कुछ खराब ही है जब बताइए ना थोड़ा पता चले लोगों को 500 रुपए में सिलेंडर करके गुमराह किया जा रहा है कि कांग्रेस सीट आनी चाहिए अच्छा तो कांग्रेस बीजेपी कह रही है 450 में देंगे कौन बीजेपी वो बात नहीं आती ना अच्छा मतलब कांग्रेस की बात है बीजेपी की बात नहीं है बीजेपी की बात कमाल की बात है मतलब कांग्रेस अगर 500 में दे रही है तो आपको लग रहा है गुमराह कर रही है और बीजेपी अगर 450 में वादा कर रही है तो बीजेपी कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं मोदी जी है वो अपने हम ना तो बीजेपी को देख रहे हैं ना कांग्रेस को देख रहे हैं बस मोदी जी को देख रहे हैं नहीं आप बात को क्लियर करिए हाँ जी आप ये कह रहे हो कि कांग्रेस अगर 500 में सिलेंडर दे रही है तो कांग्रेस गुमराह कर रही है ये बात कही आपने फोन दे दिया एक मिनट रुके ना एक एक करके बात करते ना दूसरी भाई एक मिनट रुको ना क्या नाम है ए दादा एक मिनट रुको पहले बात करो तो फिर आपसे बात करेंगे या आप ये कह दो कि उनसे बात मत करो आप मेरे से बात करो तो मैं कर लेता हूँ ठीक है अच्छा मैं ये पूछ रहा हूँ कि 500 रुपए में अगर कांग्रेस सिलेंडर दे रही है तो गुमराह कर रही है और बीजेपी 450 का वादा कर रही है तो वो ठीक कर रही है ठीक कर रही है ये कौन सा लेवल है आपका समझ आने का बताइए जरा सही है अरे एक आदमी अगर 500 में दे रहा है तो आपको गलत लग रहा है दूसरा आदमी 450 की बात कर रहा है तो आपको सही लग रहा है नहीं वो वाली बात नहीं इसमें तो अलग बात हो गई थोड़ा दिमाग का सेंस लगा के बताइए नहीं कौन सा सेंस से बता रहे हो नहीं मैं तो बता दिया है? मेरे हिसाब से बता दिया नहीं तो आपका हिसाब कौन सा हिसाब है ये मैंने वो भैया जो है 500 में बेच रहे हैं हाँ, वो गलत बेच रहे हैं हाँ, आप 450 में बेचे तो ठीक बेचे हाँ, ये क्या मतलब हुआ कांग्रेस बेचती नहीं है लोगों को गुमराह कर रही है क्या बोलती है तो वही खुल के बोलिए 500 आइए आप आ गया जी इधर आ जी ये लोगों को बोल दिया कि 500 रुपए में सिलेंडर करेंगे ठीक है वो सब्सिडी आएगी ठीक है वही सिलेंडर अपने को 1000 रुपए में गिर रहा है 1100 रुपए में गिर रहा है वो बात हुई ना बीजेपी की तरफ से ऐसा नहीं रहेगा कि हाँ सब्सिडी मिलेगी हाँ। मतलब 500 का सिलेंडर मिल रहा है 200 रुपए सब्सिडी आएगी वो वाला रीजन नहीं रहेगा उसमें बस क्लियर साहब मोदी जी का तो सब्सिडी का जो पहले था हाँ। वो सब्सिडी बंद कर दी थी उन्होंने तो केंद्र की अच्छा काम किया सिलेंडर कितने का हो गया मालूम है कितने का होगा 1105 का था अब सिलेंडर 200 रुपए जो है वो चुनाव से पहले घटाए हाँ पहले घटा दिया किसने घटाए मोदी सरकार ने घटाया तो बढ़ाए किसने थे वो कांग्रेस ने कांग्रेस के टाइम पे कितने का सिलेंडर था किसने का था कितने का था कितने का था आपसे पूछ रहा हूँ कितने का था आपसे पूछ रहा हूँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना आपसे पूछ रहा हूँ आप बताइए 450-500 रुपए का सिलेंडर था और मोदी जी के अभी घटाने से पहले सिलेंडर 1100 रुपए तक पहुँचा ना पहुँचा तो किसने बढ़ाए वो तो इतना मतलब भक्त आदमी हो आप मोदी जी के भक्त हो मतलब वो करे तो सब ठीक है करते, हाँ। तो वो करे तो सब ठीक है बाकी नहीं कांग्रेस करे तो सब गलत है ऐसा है इस बार गलत है मतलब मैं भी अरे जो चीज हम लोग भी है ठीक है हम फतेहपुर विधानसभा से आते हैं 20 साल तक मतलब 15 साल तक जो अपने बहरू खां थे कांग्रेस से उसको वोट दिया और पीछे 5 साल अभी जो बीत रहे हैं मतलब 25 तारीख को वोटिंग होगा उससे पहले भी हम लोग आकम को वोट दिया लेकिन इस बार खुल के सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी का तो आकम को किस लिए वोट नहीं दे रहे फिर नहीं नहीं किसी क्या क्या वजह है आकम को वोट नहीं देने की बस ओनली बीजेपी हिंदू मुसलमान की कोई वजह नहीं हिंदू मुसलमान को वजह नहीं बस मोदी जी दिल में बस गए तो मोदी जी तो 2014 में भी थे 2014 में थे लेकिन 2018 में क्यों लेकिन कांग्रेस ने सब कुछ गलत किया कांग्रेस ने सब कुछ गलत किया क्या गलत आपको मेन चीज कुछ गलत किया हाँ क्या कह रहे हो बताइए कांग्रेस सब सुविधा दे के रखी है 25 लाख का इलाज फ्री ठीक है
ये कोटे से जो राशन मिलता है ये भी कांग्रेस सरकार दे रही है। हॉस्पिटल के अंदर दवाई फ्री है। रामगढ़ हॉस्पिटल के अंदर अगर कोई पब्लिक बोले गए डॉक्टर की सुविधा नहीं, 6 डॉक्टर अभी भी है, 50 बेड का हमारे MLA साहब ने करवाया है, 50 बेड का और भी हो जाए, लेकिन पब्लिक क्या बोले उससे क्या करे, जो उसकी भावना है वो बोल रही है। बाकी काम की कोई कमी नहीं है। ये 5 साल में जो काम हुआ ना वो आज तक 50 साल के अंदर नहीं हुआ है। अरे भाई रुको, हाईजैक क्यों कर रहे हो? एक मिनट रुको ना, जितना काम 5 साल में हुआ ना ये 50 साल में इतना काम नहीं हुआ है। आप क्या कह रहे हो, क्या शिकायत है बताइए। मैं ये बोल रहा हूँ कांग्रेस खाली वादा करती है। अच्छा, वादा करने से कुछ नहीं होता। क्या वादा किया, पूरा नहीं किया बताइए। ये भाई साहब बोल रहे हैं अभी रामगढ़ हॉस्पिटल के मायने बेड बोल रहे हैं, अभी तक एक डॉक्टर नहीं लगा है, 5 साल हो गए अकमली ने। अच्छा, 5 साल का कार्यकाल कांग्रेस का निकल चुका है। क्या वादा था पहले? वादा था कि रामगढ़ हॉस्पिटल में डॉक्टर लगा देंगे, अभी तक एक डॉक्टर नहीं लगा है। अच्छा, ये अभी आप रामगढ़ में खड़े हैं, देखो आप जाके। और दूसरी चीज, दूसरी चीज ये रामगढ़ में कभी, इतना बड़ा शहर है, इतना बड़ा नगर है, उसमें सिर्फ खून की जाँच नहीं है हॉस्पिटल में। हाँ भाई, क्या कह रहे थे, इधर आओ, उधर खड़े हो। ये कह रहे हैं कि डॉक्टर नहीं है रामगढ़ अस्पताल, थोड़ा इधर हो जाइए बोलते हैं। अभी मौजूदा हालत में 6 डॉक्टर है। एक एक करके बता, एक मिनट, एक मिनट, आपने बोल लिया। हाँ बोलो। 6 डॉक्टर है। 6 डॉक्टर है। कहाँ पे? रामगढ़ हॉस्पिटल के अंदर। अच्छा, 6 डॉक्टर है, 50 बेड है। वो कह रहे खून की जांच तक नहीं हो सकती है, सब चीज होती है, कोई किस चीज की जाँच चाहिए अभी? बताइए आप, तीसरे आदमी से पूछते हैं। खून की जाँच हो, अब तो बहुत सुविधा है, बहुत सुविधा है। वो कह रहे डॉक्टर ही नहीं, एक भी आदमी नहीं है। रुको बता। अरे सब हो, खून की जांच हो, एक्सरे हो, सब हो, सब चीज हो, PCC भी करवा लो। अच्छा, सब चीजों की जांच होती है सर, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है। लेकिन अपन बांटते हैं, चोरू जाते हैं, वो एक सब सबकी अलग अलग राय रहती है कि अपन कोई भी चीज़ हो मेरे काम हो। रुको रुको, मैं नए नए आदमी से बात करूँ ना? नहीं बात करूँगा। हाँ आप बताओ। हाँ वो तो आपके सामने 5 आदमी तो मना कर रहे हैं। बिल्कुल मना, किसकी बात को सच मानो? पूछो पूछो, आप यहाँ रामगढ़ में खड़े हो, आप जाके देख लो ना। अरे मैं रामगढ़ में खड़ा, अभी आप रामगढ़ में खड़े हो, रामगढ़ में ही 5 आदमी आपके सामने क्या कह रहे हैं? आप में खड़े हो, आप रामगढ़ में और ये लोगों से पूछ ले। हाँ, इधर रामगढ़ के हो? हाँ जी। ये कह रहे हैं कि इधर डॉक्टर नहीं है अस्पताल में, सही बात है क्या? जी देखिए, सब आदमी का अलग अलग सोच होती है। अब बताओ ना। मैं तो यही बोलता हूँ, जिस बंदे ने ग्राउंड लेवल पे काम किया है उसको सपोर्ट कीजिए, वो चाहे कोई भी पार्टी का हो। हाकम वो बंदा है, मैंने आई हैव नेवर सीन, मैंने वैसा बंदा नहीं देखा। वो पहला ऐसा बंदा, वो बोलता मुझे अली भी चाहिए और मुझे बजरंग बली भी चाहिए। ठीक है, अली बजरंग बली हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे, लेकिन ये जो बात कह रहे हैं अस्पताल वाली बात, वो सही है गलत है? बहुत गलत है, गलत भाई साहब। आज भी मेरे हिसाब से गलत होगी भाई। आपने देखो शराब पी रखी है और आप बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो। कोई आदमी डिस्टर्ब कर रहा है इधर? देखो एक मिनट रुको, बोलने दो। आप डिस्टर्ब कर रहे हो बार बार। वो BJP को सपोर्ट कर रहे हैं ना? जरूर कर रहे हैं। देखो थोड़ा कैमरा दिखा दो, ऐसा नहीं कि मैं कोई BJP सपोर्टर से नहीं पूछ रहा हूँ। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मैं BJP सपोर्टर, ये है ना पूरी बात की? आप भी BJP सपोर्टर है पूरी बात की? कोई माइक हटाया नहीं ना? अब बार बार डिस्टर्ब करोगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद नारा लगाओगे, वो तो ठीक नहीं है ना बॉस। कोई नेता में हम रैली में नहीं आया ना इधर, बात कर रहे हो तो आप देखो, आपने एक तो पहले शराब पी हुई है और फिर उसके बाद में जो है वो नाराबाजी कर रहे हो। कोई आदमी कर रहा है नाराबाजी इधर? बात करो, बात करो, गलत सही बताओ, लेकिन नाराबाजी मत करो। हाँ, आप कुछ बोलोगे? नहीं नहीं बोलोगे, ठीक है। कुछ नए आदमियों से बात करें ताकि और कुछ बात समझ में आए। आप इधर से ही हो? हाँ नहीं, हम तो गुजरात से। अच्छा, आप लोग गुजरात से हैं? आप भी गुजरात से हो क्या? हाँ, तीनों गुजरात से, फैमिली। क्या क्या करते हो गुजरात में? हमारा खुद का सबका बिजनेस है। और यहाँ कैसे? यहाँ हमारे ये बोले तो हाँ, ये हमारी पैदाइश इधर की। अच्छा, पैदाइश इधर की है। हाँ, काम धंधा वो सूरत काम हुआ, सब कुछ कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, क्या फर्क देखते हो गुजरात में और इधर में? गुजरात एक ज़्यादा ठीक लगता है? गुजरात एक डेवलप्ड वो है स्टेट। हाँ, ये थोड़ा अंडर डेवलपिंग है। और यहाँ पे 5 साल में और अब में क्या फर्क देखते हो? ये तो आप बता नहीं सकते क्योंकि हम भी बहुत सालों से आते थे, 3-4 साल में एक बार। नहीं तो क्या फर्क दिखा, कुछ दिखा फर्क आपको? हाँ, पहले से तो बहुत अच्छा है। पहले इलेक्ट्रिसिटी सही नहीं था, पानी का सप्लाई में बहुत तकलीफ। कितने दिन से इधर? अभी तो हम इधर 10-12 दिन से। 10-12 दिन से तो बिजली कितनी आती है इधर? हाँ, एकदम सही आती है। 24 घंटे आ रही है? हाँ, आ रही है, परफेक्ट आ रही है। बस थोड़ी बहुत कभी कभी, थोड़ी बहुत कभी कभी कट रही है, तकरीबन आ रही है। हाँ, तकरीबन आ रही है, मतलब 20-22 घंटा तो होगी। हाँ, आराम से। अच्छा, और पहले जब कभी आते थे तब? तब था तकलीफ, था तब तकलीफ थी। हाँ, आती नहीं थी। ठीक है, आप क्या कहेंगे? यहाँ से नहीं। कहाँ से हैं? पाली मारवाड़ से। हाँ, पाली मारवाड़।
तो उधर क्या माहौल है? इधर ज्ञानचंद पार्क। किसका? बीजेपी। बीजेपी का। और सरकार किसकी लग रही है आपको? बीजेपी की। बीजेपी की सरकार बनेगी। तो ये एक तरफा चुनाव आपको लग रहा है कि टक्कर वाला चुनाव लग रहा है? टक्कर वाला है चुनाव। चुनाव टक्कर वाला है। और अशोक गहलोत का काम कैसा रहा, उनकी सरकार कैसी रही? हमारे लिए तो अच्छी नहीं रही। क्या अच्छा ना रहा बताइए? भ्रष्टाचार बहुत हुआ है। क्या? जैसे भ्रष्टाचार काफी है, ये रेप कार्ड है, जो ये उदयपुर वाला कन्हैया मर्डर केस है। तो ये आपको जो दो तीन बड़ी इंसिडेंट हुआ उससे आपको लगता है कि वो सरकार ठीक से हैंडल नहीं कर पाई? ठीक है, यही बात है ना? ठीक है। हाँ आप बोलो बोस, क्या नाम है? सुहेल हुसैन। क्या देख रहे हो आप, क्या चुनाव में माहौल है? चुनाव का माहौल भाई बहुत गर्म है। बढ़िया। किसका गर्म है? फिलहाल तो कांग्रेस का चांस लग रहा है। कांग्रेस का चांस लग रहा है। आप बताइए बोस, क्या नाम हुआ? सुशील कुमार सिन्ने। सर ऐसा है, देखिए जो चार प्रत्याशी मैदान में, कांग्रेस या कमली खान है और जेजेपी पार्टी चंदन किशोर जी मेहरिया जी, जो पूर्व में हमारे यहाँ से एमएलए रह चुके हैं 2013 से 2018 के बीच में। हमने मौका उनको भी दिया है पहले, और अभी तीसरे अभी बीजेपी श्रवण कुमार चौधरी है सीएलसी से, वो अभी एक नए बंदे है, अभी नए बंदे इस क्षेत्र के अंदर, राजनीति के अंदर। हालांकि पार्टी ने आला कमान उनको पद दिया, लेकिन जो उनकी पकड़ नहीं है क्षेत्र में। अब बात रहे यहाँ की सरकार की, तो राजस्थान सरकार के द्वारा जो चिरंजीवी योजना चलाई हुई है ना, द मोस्ट योजना बोले ना ऑल ओवर इंडिया, इससे बड़ी कोई योजना नहीं है हेल्थ के मामले में। राजस्थान गवर्नमेंट ने हेल्थ के मामले में वो कुछ दिया है राजस्थान के वासियों को, जो पूरी गवर्नमेंट इंडिया नहीं दे सकती। अच्छा, क्या करते हो आप? मैं मार्केटिंग करता हूँ, एक बिजनेसमैन हूँ छोटा। मार्केटिंग करता हूँ जी। तो यहाँ पे दो कमी जो है वो हमें दिखी लोगों के बीच में। अब आप तीसरी, मैं थोड़ी तीसरी राय लेते हैं ना, तो तीसरी राय पे क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो पाती है। तो तीसरी राय आपकी क्या है? एक व्यक्ति जो है वो कह रहा है कि काम को लेकर के नाराजगी है, अस्पताल को लेकर के नाराजगी है, पहली बात। देखिए दूसरी बात वो कह रहे हैं कि अशोक गहलोत की सरकार जो ये दो तीन बड़ी घटनाएं हुई उनको ठीक से हैंडल नहीं कर पाई, तो आप बताइए आपकी राय क्या है तीसरी? देखिए ऐसा है सर, उसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी पर ब्लेम लगते रहते हैं, चाहे सत्ता में कोई भी हो। यहाँ पहले भाजपा भी थी, पेपर लीक के मामले की बात आए तो क्या भाजपा की राज्य पेपर लीक नहीं हुए? प्रेजेंट में हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार, वहाँ पेपर लीक हो रहे हैं। आप गुजरात में चले जाइए, वहाँ पेपर लीक हो रहे हैं। तो ये चीज़ें देखी नहीं जाती है। अब युवा भविष्य की बात करते हैं, होने तो नहीं चाहिए ना, हम ये कहें कि वहाँ हो रहा है तो यहाँ पे भी चलो। मेरी बात सुनिए, एक एक जगह नहीं होती है वो चीज़ें, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो चीज़ तो गवर्नमेंट है। और राजस्थान गवर्नमेंट ने विधानसभा के अंदर पेपर लीक माफियाओं के लिए एक प्रावधान भी लेकर आया कि पेपर लीक में अब जो आएगा तो जब उसको सीधा अंदर डालेंगे। तो वो भाई अभी ये वो पारित हुआ है, तो आगा यदि भविष्य में दोबारा राजस्थान में कांग्रेस सरकार आती है तो वो सारा पेपर माफिया पर अच्छी तरह काम करेंगे। चलिए तो भाई क्यों ताली मत बजाओ, ताली और नहीं नहीं ताली और गाली अवॉइड करनी चाहिए, ताली और गाली जो है ना अवॉइड करनी चाहिए हमें। नहीं नहीं चलो ठीक बात है, उन्होंने बोली, हो सकता है किसी और को पसंद नहीं आई हो, आप ताली बजा रहे हो उसको हो सकता है पसंद नहीं आई हो। चलिए तो यही जो है चुनावी मिजाज है, मूड है, और हमारी कोशिश ये रहती है कि जहाँ तहाँ पे चीज़ें जो है, एक मिनट रुकिए हम लोग खत्म करें। हाँ अब जो कैंडिडेट हैं यहाँ के, देखिए न जातिवाद की बात है, जनता काम पे वो काम करेगी, वोट मतदान करेगी, वो तो जनता पर निर्भर है, इसके पक्ष में मतदान करेगी वो जनता गिरेगी। अब जैसे जेजेपी का प्रत्याशी है यहाँ पे, 2013 से 2018 के बीच में यहाँ की जनता ने उनको मौका दिया है। अब वो रिकॉर्ड निकाल के देखिए विकास का, कि 2013 से 2018 तक क्या विकास है। हाँ, रामगढ़ के लिए एक अहम मुद्दा है कि रामगढ़ के अंदर न तो रोडवेज बसें अंदर जाती है और न लंबी दूरी की ट्रेन रुकती है। मैं यहाँ के विधायक को भी इस बारे में नहीं कहूँगा, सांसद उनको भी ये कहूँगा कि सांसदी गलती है, विधायक की भी गलती है कि रोडवेज बस अंदर क्यों नहीं जा रही है और लंबी दूरी की ट्रेन का ठहराव क्यों नहीं रहा। रामगढ़ जनता की विशेष तरह ये मांग है, जैसे यहाँ के लोग अप्रवासी रूप में, जैसे गुजरात महाराष्ट्र यहाँ के लोग बहुत लोग बाहर रहते हैं, अब लंबी दूरी की ट्रेन के लिए या तो चूरू जाना पड़ता है या फतेहपुर जाना पड़ता है यहाँ की जनता को। तो मैं चाहे यहाँ पर विधायक कोई भी बने, आगे कोई भी बने, मेरा आपकी चैनल के माध्यम से डिमांड है कि लंबी दूरी की ट्रेन का ठहराव रामगढ़ के रेलवे स्टेशन में होना चाहिए। दूसरा कि रोडवेज बच्चे जो बाईपास से निकलती है, अब रात्रि में यहाँ से बसे सारे उतार के चली जाती है, महिलाएं हैं बेचारी, वो कहाँ से जाएगी? ठीक है, तो वो अंदर जानी चाहिए, मेरी डिमांड है अभी ये। बिल्कुल सही है, अरे मेरी नहीं पूरी रामगढ़ जनता की डिमांड है इस चीज़ के लिए। तो ये रामगढ़ के लोगों की राय थी, फतेहपुर जो है ये
विधानसभा है और चुनाव प्रचार जो है ख़त्म हो गया है। अब सवाल यही है कि अब लोग इतने दिन के शोर शराबे को, नेताओं के भाषणों को सुन सुन करके क्या राय बना पाए हैं, और अब आखिरी में दो दिन का जब उनके पास में वक्त है तो शांत दिमाग से उनके दिमाग में जो है कौन सी बात निकल करके सामने आती है कि कौन सही रहा, कौन गलत रहा, किसने काम किया, किसने काम नहीं किया, किसको दोबारा से मौका देना है या किसको नए सिरे से मौका देना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बहरहाल इसी तरह से हम अलग अलग जगह पर चल ही रहे हैं और लगातार लोगों की जो भी राय है वो अब तक पहुंचा ही रहे हैं। यहाँ पर लोगों ने जो कुछ कहा है उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।